ये जो मामला है ये हमारे चर्च जो है मध्य प्रदेश इवेंजेलिकल लूथरन चर्चेस जो जिसका मुख्यालय छिंदवाड़ा में है, इसके ऊपर मामला जो दर्ज हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जो है विदेशी धन प्राप्त किया, जबकि सरकार ने इनको 2015 में भारत शासन ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था, इसके बावजूद भी इनके विभिन्न एफसीआरए खाते में पूरा धन को बुलाया गया और ये पैसा जो आया इसको इन्होंने अपने पर्सनल व्यक्तिगत खातों में शिफ्ट कराया गया और उसका उपयोग जो है व्यक्तिगत रूप में कराया गया। तो ये हमारी कंप्लेंट का मेन बेस था। दूसरा जो है चर्च की जमीन जिसको वो बेच नहीं सकते थे उसके बावजूद भी जमीनें जगह जगह बेची गई। फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार ने लिखित रूप में इनको कहा कि आप ये जमीनें नहीं बेच सकते, लेकिन उसके आदेश की अवहेलना करते हुए सरकार के भारत सरकार के नियमों के विरुद्ध जाते हुए सारी जगह की जमीनों की रजिस्ट्री कर ली गई और संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जो प्रोजेक्ट में धन प्राप्त होता था उसमें भी तनख्वाह लोगों को नहीं दी गई और उसको यहाँ पर दिखाया गया कि उतना धन उनको प्राप्त हुआ है। इसी तरह से ऑडिट भी इस संस्था का नहीं हुआ और रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी जो है संजय श्रीवास्तव उनने भी इनकी मदद की कि ऑडिट होने के लिए उनको जरूरी था कि वे देखते कि संस्था का ऑडिट हर वर्ष हो रहा है कि नहीं, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से संस्था का ऑडिट इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन बेचने पर 12.5% जो है उसकी राशि सरकार को प्राप्त होनी चाहिए थी, ये सरकार के राजस्व का भी नुकसान इन्होंने पहुंचाया और इस तरह से रजिस्ट्रार ने इनकी खुले तरीके से मदद की। आज भी हम रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिसीवर बैठाया जाए क्योंकि अब जो शासी निकाय है उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि उसके आधार पर उनको पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जनरली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरह के आरोप होते हैं तो उसको पहले सस्पेंड किया जाता है। अब यहाँ पर जो संचालन है संस्था का उसको करने की आवश्यकता है और हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इमीडिएट इफेक्ट से सरकार अपने प्रतिनिधि को वहाँ बैठा ले, क्योंकि ये धन राशि का भी गमन अभी भी कर रहे हैं, फरारी में चले गए हैं, लेकिन ATM के माध्यम से प्राप्त जानकारियों के अनुसार ये पैसा निकाल रहे हैं और जो कागजात थे लूथर भवन जो कि हेड ऑफिस है वहां से तथ्यों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इन सबको देखते हुए सरकार को इनके खातों पर इमीडिएटली पैसे निकालने से बैन लगाना चाहिए, रिसीवर बिठाना चाहिए और एक कोशिश की जानी चाहिए कि सारी चीजें संचालित जल्द से जल्द सही लाइन पे हो जाए। इसमें कोई सडिशन का भी एंगल सामने आपको दिखता है क्या? अब ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर होगा क्योंकि जैसा दिख रहा है कि धन बल का बहुत मात्रा में उपयोग किया जा रहा है सरकार के लोगों को प्रभावित करने के लिए, गुंडागिर्दी भी की जा रही है एवं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं ये, जैसे कि अनिल मार्टिन जो है मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के समन्वयक पद पर हैं और वे FCRA के मुख्य संचालक करते हैं, जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं तो आप उसमें फॉरेन फंड नहीं बुला सकते। इसी तरह से यहाँ नितिन सहाय भी कांग्रेस के सचिव हैं, इन्होंने चर्च को राजनीति का अड्डा बना के रख दिया। हम चाहते हैं कि हमारे चर्च को सब चीजों से मुक्ति मिले और हमारे चर्च में केवल जो चर्च की स्थापना मिशनरीज ने की थी कि गरीब अनाथों और कंगालों की सुधि ले, वो कार्य हम लोग कर पाए। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि शासी निकाय के चुनाव जो थे वो इस डेट पे 18 से 21 फरवरी के बीच में ड्यू थी और अप्रैल में भी ड्यू है, तो यदि ये चुनाव कराने वाले ही नहीं रहे हैं तो फिर चुनाव कराने के लिए भी एक रिसीवर या गवर्नमेंट के नॉमिनी की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इसको करने के लिए जल्द से जल्द प्रबंध करें ताकि ये लोगों की सैलरी भी नहीं मिलेगी अगर गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में नहीं आती। तो आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, क्योंकि वे सचिव रहते हैं, सारी संस्थाओं के सह सचिव रहते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है कि वे तुरंत कार्रवाई करते हुए एक सरकारी नुमाइंदे को वहां बिठा लें जो कि हमारे को इस संस्था को सही ढंग से चलाने में मदद कर सके।